हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल ऑनेस्ट रिव्यूज़। और मैं आज एक ऑर्डिनरी ब्रांड का ग्लाइकोलिक एसिड टोनर का मैं रिव्यू लेकर आई हूँ। बेसिकली बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते होंगे या काफ़ी समय से इस्तेमाल करना चाहते होंगे मगर डरते होंगे इस्तेमाल करने से बिकॉज ऑफ द परसेंटेज ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड इट हैज़ इन इट। सो यू गाइज कैन डेफिनेटली वॉच दिस आउट। सो आप लोगों को हेल्पफुल होगा अगर आप पहली बार इसे खरीदने की सोच रहे हैं या अगर आप अभी तक भी आपने इसे इस्तेमाल नहीं किया है। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर एक बार विजिट कर लेना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करना, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो बात करते हैं पहले प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 50% ऑफ प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल कर लिया है, तो मैं अब मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, तो मैं ये एक केमिकल एक्सफोलिएटर है। ओके, तो दिस कैन बी यूज वीकली थ्राइस ऑल्सो, इट्स नो हार्म इन इट। वीकली थ्राइस भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, मैं इसे वीकली ट्वाइस इस्तेमाल करती हूँ। और जी हाँ, मैंने इसे लिया था बिकॉज आई हैव वाइट हेड सीवियर ऑन माई नोज एंड चिन एंड ऑल्सो आई हैव पिगमेंटेशन इशूज, सो दैट्स वाई मैंने इसे इस्तेमाल करना चाहा बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा जाना माना जाता है आपके पिगमेंटेशन को कम करने के लिए और वाइट हेड से भी आपको छुटकारा दिलाता है बिकॉज इट केमिकली एक्सफोलिएट्स योर स्किन, इट एक्सफोलिएट्स द सर्फेस लेयर ऑफ योर स्किन, दैट्स वाई। सो बेसिकली एक्सफोलिएशन कैन बी डन ऑफ टू काइंड, दैट इज फिजिकल एक्सफोलिएशन एंड केमिकल एक्सफोलिएशन। तो फिजिकल एक्सफोलिएशन इज प्रीटी हार्श व्हेन कंपेयर टू केमिकल एक्सफोलिएशन, ऑल्दो द टर्म नोन एज केमिकल साउंड स्केरी बट ट्रस्ट मी गाइज, केमिकल एक्सफोलिएशन इज वे मोर जेंटलर व्हेन कंपेयर टू फिजिकल एक्सफोलिएशन एंड केमिकल एक्सफोलिएशन इज द राइट इज अ राइट एंड प्रॉपर वे ऑफ एक्सफोलिएटिंग योर स्किन बिकॉज फिजिकल एक्सफोलिएशन डैमेजेस योर स्किन बैरियर, इट गिव्स यू माइक्रो टीयर्स, इट विल एनलार्ज योर ओपन पोर्स एंड इन लॉन्ग रन इट विल डैमेज योर स्किन इन शॉर्ट। तो बस केमिकल एक्सफोलिएशन इज वे मोर जेंटलर वैन कम्पेयर टू इट एंड आई हैव बीन यूजिंग केमिकल एक्सफोलिएटर सिंस वे टू लॉन्ग, सो आई एम नॉट न्यू टू एसिड्स बट आई वॉज वेरी मच क्यूरियस टू ट्राई दिस प्रोडक्ट बट आई वॉज रियली वरीड बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड इज द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग ऑल द AHAs एंड इट हैज द लोएस्ट मॉलिक्यूलर साइज विच मेक्स इट टू पेनेट्रेट इन द डीपर लेयर ऑफ द स्किन एंड एक्सफोलिएट द स्किन, सो दैट्स वाई आई वॉज प्रीटी वरीड अबाउट इट बिकॉज आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ नेवर यूज एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट विच हैज़ ग्लाइकोलिक एसिड 7% इन वीकली वंस और वीकली ट्वाइस, बट आई डू यूज द AHA BHA पील विच हैज़ अराउंड 25% ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, बट इट शुड बी यूज एज ए मास्क ना, वी शुड वॉश इट आफ्टर 10 मिनट्स, बट दिस इज अ लीव ऑन प्रोडक्ट, सो लीव ऑन प्रोडक्ट्स कैन बी काइंड confusing at a time, so that's why I never thought to buy it, but finally when I decided to buy it then I bought it, I done my research and finally I bought this, so I'm pretty happy about this. It definitely helped me in reducing my pigmentation a little bit and it also has helped me in keeping my whiteheads to the bay and yeah, basically it made my skin much softer, much ekdam like it also has improved my skin's texture to be honest, and it has 7% glycolic acid. So if you are a beginner to skincare and if you have never used glycolic acid ever in your life, I will not recommend you this to buy. First you buy the any sort of product which has a lower amount of glycolic acid in it. Lower amount in the sense lower percentage of glycolic acid. So I have used the Pixie one which has glycolic acid around 5% in it, but it never suited me. It gave me numerous bumps on my face because it has fragrance in it, and as I always tell you guys, fragrance in skincare never suits me. It gives me bump and in rare cases it gives me cystic acne. So I was very much keen to buy this out because it doesn't have fragrance in its ingredient list and it's so pretty, so clear, so I was just willing to buy this and I'm really thankful that I bought it because I'm very much happy with this product and I will definitely repurchase it once it finishes. So yeah, this is a really amazing product and agar jinhe bhi ise jo bhi ise use karte honge aap log jante honge ki ye kitna zyada aapke skin ke liye faydemand hai. और मेन बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आप वीकली वंस या वीकली थ्राइस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप ना ज़रूर से सुबह में सनस्क्रीन लगाया करें, ठीक है, बिकॉज AHAs क्या करते हैं ना, आपके फेस को फोटो सेंसिटिव बनाते हैं, तो आपका स्किन ना और ज़्यादा डार्क होगा बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर. तो प्लीज़ मेक श्योर यू अप्लाई सनस्क्रीन.
और एक ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन कर रहे हो तो ही सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन 365 डेज आपको लगाना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज आई एम अ बिग सनस्क्रीन फैन, एंड सनस्क्रीन इज़ द बेस्ट एंड चीपेस्ट एंटी एजिंग इंग्रीडियंट यू, एंड इट ऑल्सो अ बेस्ट थिंग विच कैन यू डू टू योर सेल्फ बाई स्टार्टिंग अप्लाइंग इट। ओके, सो बेसिकली ये मेरा रिव्यू था, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप यू एन्जॉयड इट, आई होप यू एन्जॉयड इट। प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ प्लीज़ यू नो सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ आई एम न्यू हियर, आई एम अ बिगिनर हियर, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू।